इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने की राह पर है, क्योंकि सुधारों का फायदा अब दिखने लगा है। IMF के भारतीय चीफ रानिल सालगादो ने $2.6 trillion की भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसा हाथी बताया है जिसने दौड़ना शुरू कर दिया है। IMF की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत मार्च 2019 तक 7.3% और उसके बाद 7.5% की रफ्तार से विकास करेगा। ग्लोबल ग्रोथ रेट में भारत की हिस्सेदारी 15% होगी। एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए सालगादो ने कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के मामले में कुछ वैश्विक ग्रोथ का 15% हिस्सा भारत का होगा, हालांकि ट्रेडिंग चीन के स्तर का नहीं होगा। उन्होंने कहा कि IMF भारत के लंबे समय तक ग्लोबल ग्रोथ के सोर्स के रूप में देखता है। उन्होंने आगे कहा, भारतीय कार्यबल जनसंख्या में गिरावट आने में अभी तक 3 दशक का समय है। यह एक लंबा समय है। यह एशिया में भारत के लिए एक अवसर के रूप में है। कुछ ही एशियाई देशों के पास ऐसा अवसर है। अगले 3 दशक या इससे लंबे समय के लिए भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का सोर्स रहेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।